कैन क्रिएट द पेज नंबर्स, ठीक है, पेज नंबर्स कैसे क्रिएट करना है, मास्टर पेज में अगर आप लोग ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बाकी के पेज नंबर्स वहां पे क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। दैट कंटेंट, व्हिच एवर कंटेंट व्हिच यू प्लेस इन द मास्टर पेज, इट विल बी ऑटोमेटिकली अप्लाई टू ऑल ऑफ द पेजेस इन दैट ओनली डायमेंशंस, ठीक है, वही डायमेंशंस के अंदर और वही प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेट्स के अंदर, वही स्केल के ऑप्शन वैल्यूज के अंदर, वो सब एलिमेंट्स आपके उसी पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दिस आई हैव शोन यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस, ठीक है, कैसे कैसे इमेज आपको ऐड करना है, हम कैन क्रिएट द पेज। वैसे टाइप से आपको वो पेज के हिसाब से आपको डिजाइन क्रिएट करने हैं। यू कैन ऐड द टाइटल एंड द बुक के अंदर जो कंटेंट रहेगा, यू हैव टू ऐड द कंटेंट इन दैट फॉर्मेट, ठीक है। कॉलम्स में करना रहेगा कॉलम्स में कर सकते हो, और पेजेस के ऊपर भी अगर करना रहेगा तो उसके हिसाब से आप लोग क्रिएट हो। नेक्स्ट आपका जो असाइनमेंट रहेगा, स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे थोड़ा। ये ग्राफिक्स आर्ट, एनिमेशन टाइम्स हो गया है, हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन, ग्लोबल एश्योरेंस कंपनी सुपर एडवर्टाइजमेंट फॉर ग्लोबल एश्योरेंस कंपनी। लेट मी चेक इफ यू हैव ऑन दिस 10 असाइनमेंट्स इन दिस। ओके, सेम एलिमेंट्स यू हैव टू यूज इन दीज असाइनमेंट्स, ठीक है। ये असाइनमेंट्स में भी आपको सेम एलिमेंट्स यूज करने हैं। ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी का है, साइज शुड बी A4, ठीक है, A4 साइज लेना है। क्रिएट पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप बोथ लेआउट, ठीक है, मतलब इसके दो लेआउट्स आपको क्रिएट करने हैं। लेआउट्स आर नथिंग बट द पेज साइजेस और पेज टाइप्स, ठीक है। A4 साइज लेना है आपको और उसको पोर्ट्रेट में और लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, कंट्रोल एन, दिस इज ओरिएंटेशन, ठीक है, दिस पोर्ट्रेट एंड दिस इज पोर्ट्रेट एंड दिस इज लैंडस्केप, ठीक है। किस साइड से किस टाइप का ओरिएंटेशन आपको चाहिए, ये दोनों भी टाइप्स में आपको डिजाइन करना है, ठीक है, मतलब इसके दो आउटपुट्स आएंगे एक सिंगल असाइनमेंट के। तो इन दैट यू हैव टू डिजाइन, और बाकी कुछ भी इन्होंने दिया नहीं है। यू कैन अप्लाई योर ओन इमेजेस, यू कैन अप्लाई योर ओन टेक्स्ट एंड यू कैन क्रिएट इट अकॉर्डिंग टू योर क्रिएटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट इज मैगजीन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट और मैगजीन एडवर्टाइजमेंट, ऐसे दो असाइनमेंट्स है। मैगजीन के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट रहते हैं वो अलग रहते हैं एज कम्पेयर टू द न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर के अंदर द एडवर्टाइजमेंट आर कैरिड आउट इन द सेपरेट सेक्शन, ठीक है, सेपरेट सेक्शन रहता है न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट के लिए। वहाँ पे आपको सब जॉब रिलेटेड या फिर कोई कंपनी रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड, वैसे एडवर्टाइजमेंट आपको वहाँ पे दिखेंगे, मिलेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे फर्स्ट पेज के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, अगर कुछ बिग सेल रहेगा या फिर इफ एनी ऑफ द कंपनी नीड्स टू हाईलाइट देयर सेल और एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट, देन देयर इज आल्सो अ सेक्शन ऑन द बॉटम, ठीक है, फ्रंट पेज पे बॉटम के अंदर एक सेक्शन मिलता है उनको, जहाँ पे वो लोग उनके सब प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। सो इन दैट वे यू हैव टू एडवर्टाइज एंड यू हैव टू क्रिएट योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैगजीन एडवर्टाइजमेंट, न्यूज पेपर पेज लेआउट ऑफ एन इंटरव्यू ऑफ एन
इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे भी कैसा है, साइज इज A3, द सेम साइज विच वी हैव कंसिडर्ड फॉर द एनिमेशन टाइम्स न्यूज़पेपर। ठीक है, एनिमेशन टाइम्स का जो हमने असाइनमेंट क्रिएट किया था A3 साइज के पेज के ऊपर क्रिएट किया था, उसी साइज के अंदर हमको आउटपुट चाहिए उसका। सो यू हैव टू क्रिएट इट इन द A3 साइज एंड यू हैव टू क्रिएट इन 5 कॉलम ग्रिड। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने स्पेसिफाई किया है यू हैव टू क्रिएट इट इन अ 5 कॉलम ग्रिड सेम एज द एनिमेशन टाइम्स न्यूज़पेपर। अगर उसका असाइनमेंट रहेगा तो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड दोज सेक्शन एंड दोज ट्यूटोरियल्स जो असाइनमेंट्स क्रिएट किए थे। आई हैव देन आई विल शो यू एनिमेशन टाइम। Now this is a complete one page of the newspaper. ठीक है, 5 column grid. We have 5 columns, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, 5 column grid है और उसके अंदर picture placement या फिर जो भी आपको जैसे assign करना है, उस हिसाब से आप लोग उसको assign कर सकते हो। You have to provide a particular headline. But अभी इस assignment के अंदर क्या है? इंटरव्यू ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट कौन कौन रह गए हैं? अभी बड़े बड़े जो कंपनी के इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे कि अंबानी या फिर टाटा मोटर्स के जो भी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट रहेंगे बड़े बड़े, सो उसके हिसाब से आपको उनका इंटरव्यू लिखना है। ठीक है, इंटरव्यू कैसे प्रिंट होता है न्यूज़पेपर के ऊपर, वो भी एक बार आप लोग एग्जाम्पल देख लो इसके ऊपर। ठीक है, इट गेट्स प्रिंटेड विद द इमेज। ठीक है, उनका इमेज भी आता है उसके अंदर और पूरा एक पेज, या फिर पूरा पेज भी नहीं रहता है कवर अप, छोटा सा एक सेक्शन रहता है या फिर थोड़ा सा एक सेक्शन रहता है। बट इन दिस असाइनमेंट यू हैव टू क्रिएट अ साइज ऑफ A3, A3 साइज के अंदर 5 column ग्रिड चाहिए और 5 column ग्रिड के अंदर आपको पूरा इंटरव्यू भी उसका असाइन करना है। ठीक है, यू हैव टू असाइन द लेआउट ऑफ एन इंटरव्यू ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, यू हैव टू असाइन अ प्रॉपर इमेज, यू हैव टू टेक अ प्रॉपर इमेज एंड यू हैव टू क्रिएट द टेक्स्ट। ठीक है, इनके कुछ सब पॉइंट्स रहेंगे या फिर किस पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने क्या क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। ठीक है, व्हाट आर द क्वेश्चंस, व्हाट आर द आंसर्स, यू हैव टू स्पेसिफाई दैट यूजिंग द डमी टेक्स्ट। ठीक है, डमी टेक्स्ट, प्लेस होल्डर टेक्स्ट भी आप लोग यूज कर सकते हो, जस्ट मेक इट लुक इन अ रियल वे। ठीक है, अगर टेक्स्ट रीडेबल नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, मतलब जो लैंग्वेज रहता है प्लेस होल्डर टेक्स्ट, वी कैन नॉट रीड दैट लैंग्वेज। इफ इट इज नॉट रीडेबल इट इज ऑल्सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर दैट, बट should look good, it should be properly layout, ठीक है, properly laid out and also it should look creative, ठीक है, creative भी बनाना है आपको, वो इस तरीके से present कर रहा है, interview of an industrialist, ठीक है। इस ऊपर पेज लेआउट ऑफ एन फिल्म स्टार, ठीक है, ये भी सेम रहेगा। आई हैव एक्सक्लूडेड सम ऑफ द असाइनमेंट्स फ्रॉम दिस। ठीक है, टेबल कैलेंडर तो हो गया है आपका, होटल मेनू कार्ड। ठीक है, होटल मेनू कार्ड अगर आपको बताऊंगा मैं, साइज इज कस्टम। ठीक है, कोई भी एक कस्टम साइज ले सकते हो आप लोग, कस्टम साइज इज नथिंग बट द वो A4 साइज के टाइप पे वो साइज रहता है, बट अकॉर्डिंग टू यू यू कैन प्रिपेयर इट ऑन योर ओन। ठीक है, यूज अ पेपर फॉर दिस टाइम विथ योर इमेजिनेशन, अप्लाई क्रिएटिविटी। ठीक है, अभी कस्टम इन्होंने ये दिया है, मेनू कार्ड कैसे रहेंगे आपके? मेनू कार्ड विल बी बाई फोल्डेड, ट्राई फोल्डेड, ठीक है, ट्रिपल फोल्डेड भी रहते हैं मेनू कार्ड, बाय फोल्ड भी रहते हैं और सिंगल भी रहते हैं। ठीक है, ठीक है, सो इन दिस टाइप यू हैव टू क्रिएट योर होटल मेनू कार्ड। ठीक है, आई हैव शोन यू हाउ टू क्रिएट द और हाउ टू यूज द टैब मेनू। ठीक है, फिर से आपको दिखा देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मेनू कार्ड। ठीक है, ऐसा एक मेनू कार्ड है, आई विल जस्ट लैंडस्केप,
लैंडस्केप साइज के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ। Use the margins. ठीक है, थ्री कॉलम का मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, और आई विल जस्ट क्रिएट अ टू कॉलम। ठीक है, आपको आपके हिसाब से जो लेआउट चूज करना है यू कैन चूज एंड यू कैन क्रिएट। I'll just pick some of the images of the restaurant. ठीक है, नाउ आई हैव शोन यू हाउ टू क्रिएट द लोगो। यू कैन क्रिएट योर ओन लोगो। ठीक है, नेट पे से नहीं लेना है आपको लोगो, बट जस्ट फॉर क्रिएशन आपको हर एक चीज पर्टिकुलर वन बाय वन ऐसे थिंग में क्रिएट करके नहीं दिखा सकता हूँ, बिकॉज टाइम डू नॉट परमिट मी टू डू ऑल ऑफ दैट। Because of what I will do, I will just use ready-made logo. I will just say, tell you, or I will just show you the layout which you have to create. ठीक है, मैं आपको layout दिखा रहा हूँ। I am not showing you how to create that. ठीक है, I am just showing the layout and you have to create it on your own. ठीक है, layout कैसे रहना चाहिए या फिर colors कैसे use करना चाहिए आपको particular कोई menu card के लिए। क्या आपको एडिट करना रहेगा पर्टिकुलर थिंग, तो यू कैन ओपन दिस फोटोशॉप, वहां से राइट क्लिक करके आप लोग इसको एडिट कर सकते हो। आई विल जस्ट रिमूव द बैकग्राउंड, इनपुट वन बैकग्राउंड। फोटोशॉप के अंदर इस इमेज को एडिट कर सकते हो आप लोग, देन यू कैन जस्ट सेव इट।
लोगो, नाउ आई हैव अ ट्रांसपेरेंट इमेज, ठीक है, ट्रांसपेरेंट इमेज लिया है मैंने, आई कैन यूज दिस थिंग कॉफी शॉप। टू I have shown you how to apply the gradients, ठीक है, gradients कैसे apply करना है वो दिखाया था मैंने आपको। So we have a basic just use this color, एक brown color use करूँगा for the coffee shop। रेडियल
सो दीज आर द टू शेप्स एंड कलर्स, आपके हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हो विच कलर यू नीड। I do not need the borders. फॉन्ट भी आपको उसके हिसाब से यूज करना है, ठीक है? यू हैव टू यूज सम व्हाट लाइक दिस, शुड बी इजीली रीडेबल। ठीक है, जैसे कुछ अलाइनमेंट रहेगा इसका। ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव टू डू,
is the लोकल साइन ऑफ जावर है। White. Okay, now what I will do, I will add tab. Okay, tab press करके I will just add 25. And in this, what I will do, control A, go for type tabs. Okay. फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं टैब्स इन दिस टैब्स वी हैव टू प्लेस द डिस्टेंस ठीक है 25 देन ऐड अ लीडर डन every time this tab will get these dots ठीक है ये लीडर के हिसाब से असाइन होके टैब प्रेस करना है आपको कीबोर्ड के ऊपर ठीक है दिस इज द फंक्शन ऑफ टैब So according to this, you can assign different types of items present in your cabinet. यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डालना रहेगा तो आप लोग डाल सकती हो कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट इन्फो वेबसाइट कॉन्टैक्ट
पैसे 4 करोड़ की रुपए, ठीक नेक्स्ट कंटिन्यू लाइक डॉट एकदम बेसिक, ज्यादा कुछ उसमें एडिटिंग नहीं है। डन। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट द होटल मेनू कार्ड, ठीक है। यू हैव टू यूज दिस टैब ऑप्शन, ठीक है। ये टैब ऑप्शन आपको उस मेनू कार्ड में यूज करना ही है, ठीक है। इट इज द स्टडी। अभी आप लोग बोलोगे सर काय काय ह्याच्या मध्ये असं नसतं तसं नसतं, बट डोंट डू दैट, दिस इज द पार्ट ऑफ योर स्टडी, ठीक है। मैंने वैसे ही बनाया है, हमारे होटल के मेनू कार्ड में नहीं रहता है ऐसा कुछ। यू डोंट हैव टू डू दैट, यू हैव टू वर्क एंड यू हैव टू स्टडी इन द टर्म्स व्हिच आर असाइन टू यू, ठीक है। जो टर्म्स आपको बताए गए हैं, व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ दैट असाइनमेंट, यू हैव टू लर्न द टैब्स मेनू, ठीक है। टैब्स मेनू आपको स्टडी करना है इसके अंदर, सो यू हैव टू क्रिएट इट यूजिंग दैट ओनली। बाद में अगर आप लोग रियल वर्ल्ड में अगर कुछ अलग से करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट, बट फॉर स्टडी पर्पज यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एलिमेंट्स व्हिच यू आर टॉट टू यू, ठीक है। यू हैव टू यूज दोज एलिमेंट्स एंड यू हैव टू शो दैट इन योर डिजाइंस, ठीक है। Or I can change this color also. Okay, brown color आपको अगर लेना है तो you can take that brown color also. Create a new swatch. Convert this to CMYK. Okay. ऐसे यूज किया है।
Again, the same way you have to create this, or you can apply your own creativity for creating a hotel menu card. You're done. Any doubts, anyone? Okay, if you have any doubts, you can ask, and then I will take your attendance. ठीक है, नो डाउट्स, देन यू हैव टू प्रैक्टिस दिस. ठीक है, जिसके जिसके पास अवेलेबल है सब सर्विसेज, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू लेट मी नो इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट्स, और कुछ एरर्स वगैरह आ रहे हैं तो मुझे बताओ, सो आई कैन रिजॉल्व इट. ठीक है, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन एंजॉय एंड स्टे सेफ.